हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे एक नई तरह की मिठाई जिसे हम फ्राई भी नहीं करेंगे और बेक भी नहीं करेंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसे हम बनाएंगे अप्पम पैन में, और इसे आप अप्पम स्वीट भी बोल सकते हैं, शाही मालपुआ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, और इन्हें आप गुलाब जामुन भी बोल सकते हैं जिन्हें हमने फ्राई नहीं किया है। तो यहाँ पर हमने एक बाउल सूजी ली है और आधा बाउल हमने नारियल का पाउडर लिया है। जो हमने सूजी ली थी उसे हम एक बाउल में डाल देंगे, और उसमें हम जो नारियल पाउडर लिया था वो भी डाल देंगे। और एक कप हमने पानी लिया है, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे और एक बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा हमें थिक ही रखना है। तो अभी हम थोड़ा सा पतला रखेंगे इस टाइप का, जैसा कि हमारा ढोकले का बैटर होता है, इडली का होता है, इस तरह का हम बनाएंगे। और इसे हम रेस्ट के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। बस हमें इसमें इतनी ही सामग्री मिक्स करना है। 1 से 2 घंटे हो गए हैं और यहाँ पर बैटर हमारा बढ़िया सा फूल गया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक बाउल में मिल्क पाउडर लिया है, ये लगभग 4 चम्मच है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम घोलकर एक घोल तैयार करेंगे। और यदि हम डायरेक्ट इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम ठंडे पानी में ही मिल्क पाउडर घोल लेंगे और इसे भी ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया ये खाने में लगते हैं। और एक बार आप ये रेसिपी बना लेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसके बाद हमने आधा चम्मच यहाँ पर बेकिंग पाउडर ऐड किया है, इससे ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 1 कप पानी एक बर्तन में डाल दिया है, और इसके बाद 1 बाउल हमने चीनी ली है। तो यदि हम 1 बाउल चीनी ले रहे हैं तो यहाँ पर हम 1 कप पानी ऐड करेंगे, और इसे हम मीडियम गैस पर पका लेंगे लगभग 10 से 12 मिनट। इसके बाद यहाँ पर हमने अप्पम पैन लिया है, तो इसे हम गर्म कर लेंगे और इस पर हमने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर घी लगा दिया है, और हम इसे घी में बनाएंगे जिससे कि जो हमारी स्वीट है वो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगेगी। तो ये अच्छे से थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा जो हमने बैटर लिया था वो फिल कर देंगे, थोड़ा सा हम खाली ही रखेंगे जिससे कि ये फूल कर बहुत ही बढ़िया बनेंगी। ये बिल्कुल नई तरह की स्वीट है, तो एक बार आप जरूर ट्राई करें, और ये देखने में भी बहुत बढ़िया लगती है और बहुत ही बढ़िया ये खाने में लगती है। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो इस तरह की आप इंस्टेंट स्वीट तैयार कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इस तरह से फूल गए हैं, तो हम इन्हें ढक देंगे और लगभग 1 से 2 मिनट ढकने के बाद इन्हें हम पलट देंगे, और थोड़ा थोड़ा सा जो हमने घी लिया था वो थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ और लगा देंगे और इन्हें हम पलट लेंगे। और यहाँ पर हमें गैस को तेज नहीं करना है, लो मीडियम फ्लेम पर ही हम इन्हें पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कलर कितना बढ़िया आया है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इस तरह से ब्रश से घी और लगा देंगे, और ये दोनों साइड से बढ़िया से सिक गए हैं, तो हम इन्हें निकाल देंगे और ये बढ़िया फूल गए हैं। और इसी तरह से हम सारे ही यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। तो हम थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं। अब हम इन्हें 1 प्लेट पर निकाल लेंगे।
तो इस तरह से आप अपन पैन में बनाएंगे तो इसमें ऑयल या घी जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं वो बहुत ही कम लगता है और बहुत ही बढ़िया ये बनते हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हम जो हमारा बैटर बच गया था तो उनसे भी इसी तरह से हम अपन तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम बैटर डाल देंगे। और बच्चों को तो इस तरह की डिश बहुत ही पसंद आती है तो आप बच्चों को बना कर दे सकते हैं। और यहाँ पर हमारी चाशनी भी लगभग बन के तैयार हो गई है और इस तरह की हमें चाहिए है। तो ये थोड़ी सी इस तरह की ये चिपचिपी सी हो गई, समझ लीजिए हमारी चाशनी बन के तैयार है और हमें ज़्यादा भी इसे नहीं पकाना है। चाशनी को हम पहले ही बना लेंगे और जैसे ही यहाँ पर हमारे अप्पम तैयार होते हैं तो हम फटाफट से चाशनी में डाल देंगे, गरम ही गरम हम चाशनी के अंदर डालेंगे जिससे कि ये चाशनी अच्छे से इनके अंदर तक चली जाए और बहुत ही बढ़िया एकदम जूसी ये बनके तैयार होंगे। आप इन्हें गुलाब जामुन भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये बनके तैयार होते हैं। तो सारे ही बन गए हैं, हम यहाँ पर एक प्लेट पर इन्हें निकाल लेंगे और इनका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है और एकदम स्पंजी ये बने हैं। तो अब हम इन्हें चाशनी में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर डाल रहे हैं जिससे कि इनका बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और यदि आप कलर डालना नहीं चाहते तो आप स्किप कर दें और आप ऐसे ही इन्हें बना सकते हैं। तो जैसे भी चाहें आप बना सकते हैं, ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे अगर आप इस तरह से थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम एक बाउल में इन्हें शिफ्ट कर देंगे और इसके बाद हम जो हमने चाशनी ली थी वो डाल देंगे। तो चाशनी हमें ज़्यादा गर्म नहीं डालना है, चाशनी हम हल्की गर्म डालेंगे। और यहाँ पर जो हमने गुलाब जामुन तैयार किए हैं वो भी हमारे हल्के हल्के गर्म हैं और इन्हें हम 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाशनी इनके अंदर बहुत ही बढ़िया अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एकदम स्पंजी और इस तरह से ये एकदम जूसी बन गए हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बहुत ही बढ़िया ये देखने में लग रहे हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कभी कभी हमारा मीठा खाने का मन करता है और हम ज़्यादा ऑयल या घी होने के कारण खा नहीं पाते, तो इसमें हमने ऑयल और घी का बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।